मतगणना को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दे दिया है। जब पिटारा खुलेगा तब किसानों का भविष्य चमकेगा, हमारी सरकार बनने के बाद फिर से कर्ज माफी होगी। 3 दिसंबर को कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे। ये बड़ा बयान अमरजीत भगत की तरफ से दिया गया है और साथ ही जीत का दावा भी किया गया। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को काफी बड़ा दिन है। तमाम जो 90 विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उन लोगों के भविष्य का फैसला बंद है, वो तय होगा। हमारे साथ अमरजीत भगत हैं, खाद्य मंत्री हैं। सर, 3 तारीख का दिन काफी बड़ा है, कितने आश्वस्त हैं आप? 3 तारीख का दिन कांग्रेस का है और कांग्रेस दूसरी पारी की शुरुआत करेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है और दूसरी पारी अपने काम के दम पर आएगी। छत्तीसगढ़ की पहचान खेती किसानी वाले प्रदेश से है, धान का कटोरा से है, और धान के कटोरा के मालिक पिछले बीजेपी के 15 साल में कभी खुशहाल नहीं थे। अगर उनके दिन फिरे हैं, उनके दिन बहुर रहे हैं, तो केवल कांग्रेस की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में। कर्ज माफी से लेकर के और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इससे पूरे हिंदुस्तान में सबसे अगर किसानों की कहीं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की बराबरी केंद्र सरकार करती है। मोदी जी बहुत सारे योजनाओं का तुलना और अध्ययन छत्तीसगढ़ से करते हैं। वो भले सार्वजनिक रूप से स्वीकार न करें, लेकिन छत्तीसगढ़ का बहुत सारे योजनाओं का अनुसरण कर रहे हैं, उसको दूसरे राज्यों में लागू करने के लिए वो अपने सेंट्रल की जो टीम है, पार्लियामेंट्री टीम, उनको बोलते हैं कि उसका अध्ययन करो और उसको लागू करो। ये तो हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव साइनिंग है। धान की बात आपने की, पर इन दिनों देखा जा रहा है धान खरीदी का समय चल रहा है, पर किसान बड़ी कम पहुंच रहे हैं धान खरीदी केंद्र में। इस पर बीजेपी भी तन कसती नजर आ रही है, कह रही है कि जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने वादा किया है 3100 रुपये क्विंटल, 21 क्विंटल में देने का, उस पर एक इफेक्ट धान किसानों में, इसीलिए कम जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने बात में फंसती हुई नजर आ रही है आपको। इनके नेता कई तरह की बात करते हैं। मंत्री थे अमरजीत भगत और 3 तारीख को लेकर साफ तौर पर कहा है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। अब देखना होगा 3 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तो किसकी सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन रवि नागरकर के साथ नितिन नामदेव, न्यूज 24, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।